Assalamu alaikum viewers, this is Ali from the business desk of the correspondent.pk. सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करेंगे. आज मार्केट ने वंस अगेन एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया और जैसा कि हम पिछले कुछ सेशंस में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर और स्पेशली TRG में एक्टिविटी देखी जा रही है, आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ. और पहले इनिशियल एक डेढ़ घंटा जो है मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लीड किया. TRG में वॉल्यूम था, प्राइस गेन भी था, बट अराउंड 10:30 मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आना शुरू हुई और मार्केट नेगेटिव जोन में एंटर हुई. बट देन अगेन आफ्टर एन आवर 11:30 के अराउंड मार्केट में दोबारा अपने आप को पॉजिटिव जोन में एंटर किया. और सेशन जब क्लोज हुआ फर्स्ट सेशन तो मार्केट 73 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई. TRG में आज भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया मार्केट पार्टिसिपेंट्स का. और फर्स्ट सेशन में भी इसमें एक अच्छा प्राइस गेन आया. सेकंड सेशन जैसे ही ओपन हुआ उसमें मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग देखी गई. अक्रॉस द बोर्ड चीज़ों ने अपने आप को नेगेटिव जोन में एंटर किया और उसके बाद टिल द एंड ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव ही रही और 93 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई. TRG में आज अपर लिमिट हिट हुई 7.5%, बट उन लेवल्स के ऊपर काफ़ी सेलिंग देखी गई और वो अपना अपर लिमिट को सस्टेन ना कर सकी और क्लोजिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 6.5-7% ऊपर क्लोज हुआ. वॉल्यूम लीडर्स में आज वंस अगेन TRG टॉप पर रहा, 27.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. हेस्कॉल में सेकेंड नंबर पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ जो कि 26 मिलियन शेयर्स था. और थर्ड पे WTL रहा जिसमें 20.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. हेस्कॉल में एक्टिविटी होने की रीज़न ये हुई कि फर्स्ट हाफ तो ये भी बड़ा स्लगिश था, सेकेंड हाफ में इसकी मार्च एंडिंग क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई उसके बाद हमें इसमें वॉल्यूम भी देखने में नज़र आया और प्राइस गेन भी हुआ. इसमें टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम जो रहा मार्केट का आज 219 मिलियन शेयर्स का रहा जो कि डे ऑन डे बेसिस पे 18% डिक्लाइन हुआ. ट्रेडेड वैल्यू 8.9 बिलियन रुपीस की रही, ये 12% से डिक्लाइन की डे ऑन डे बेसिस पे. वेयर एज मार्केट कैपिटलाइजेशन में 31 बिलियन रुपीस का डिक्लाइन देखने में आया. इसके बाद कैपको के शेयर्स में भी आज वॉल्यूम रहा सेकेंड हाफ में, स्पेशली बिकॉज आज इसका फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ और ऑलमोस्ट जो मार्केट कंसेंसस था पे आउट का 4 रुपीज़ पर शेयर का, वही अनाउंसमेंट आई. उसके अलावा जो अर्निंग थी EPS वो मार्केट कंसेंसस से थोड़ी कम आई, 11.24 रुपये की फुल ईयर की अर्निंग आई, जिसकी वजह से इसके शेयर में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा गया और डे एंड पे ये 73 पैसा नेगेटिव बंद हुआ. इसमें भी ऑलमोस्ट 17 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. सो नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट्स, बेरिश ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से और कल भी US मार्केट्स 0.5-1.5% नेगेटिव क्लोज हुई. एशियन मार्केट्स में भी 0.5-2.5% तक की नेगेटिविटी देखी गई. वेयर एज यूरोपियन मार्केट्स जो कि अभी ट्रेड हो रही हैं इनमें भी 1-1.5% का नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है. डॉलर वंस अगेन 11th कंसेक्यूटिव डे स्ट्रांग रहा. रुपी में आज भी प्रेशर रहा. इंटरबैंक में इसकी क्लोजिंग 236.84 रुपीज़ की आई है, जिसका मतलब यह है कि पाक रुपी 96 पैसा नेगेटिव क्लोज हुआ है आज भी. ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इवनिंग में, जिसमें उन्होंने कोई नई बात तो ऐसा सच नहीं कही, बट उन्होंने यही कहा कि अगर उनको दीवार के साथ लगाया गया तो वो फिर पब्लिक को लेके रोड्स पे आ जाएंगे और वो अर्ली इलेक्शंस का ही
उन्होंने जो एक मुतालबा था वो किया है पीडीएम से। इकोनॉमी साइड के ऊपर स्टेट बैंक ने जो है वो वीक एंडिंग सितंबर 9 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स इशू किए हैं, जिसके मुताबिक 14.31 बिलियन जो है वो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं एज ऑफ सितंबर 9, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 156 मिलियन डॉलर से डिक्लाइन किए हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग। इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो अगस्त के नंबर इशू किए हैं उसमें टेक्सटाइल जो है वो वंस अगेन कम्स अप ऑन द गेनर साइड, और अगस्त में 1.57 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई हैं विच इज 7.71% अप फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और अगर हम करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट 2 months की बात करें तो उसमें 3.05 बिलियन डॉलर्स की अभी तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं, और ये भी सेम पीरियड लास्ट ईयर से 4.1% इंक्रीज की हैं। फिच अ यूएस रेटिंग एजेंसी हैज़ इशूड अ रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का रियल जीडीपी ग्रोथ है उसको रिवाइज किया है डाउनवर्ड्स फ्रॉम 0.6% टू 0.2%, और इसकी रीज़न ये दी है कि जो फ्लड्स की वजह से एक डैमेज हुआ है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफ़ी डेंट पड़ा है, और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं इसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी विच कैन लीड टू फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग एज वेल। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है फॉर द इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज्वाइन मी ऑन मंडे विद मोर अपडेट्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़।